सुधा मूर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विषय पर बल दिया था और उसका महात्म्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर बड़े विस्तार से उन्होंने कहा था। और आप उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि मां अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं होता, फिर नहीं मिल सकती, ये भी बड़ी भावात्मकता से उन्होंने बताया था। मेनी वुमेन सफर इन रियल लाइफ विद सर्वाइकल कैंसर्स, मेनी वुमेन सफर इन रियल लाइफ विद सर्वाइकल कैंसर्स। ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಳು ಹೆಂಡತಿ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಳು ತಾಯಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯ ವಲಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. दुनिया के प्रगतिशील देशों के लिए भी विमेन डेवलपमेंट तो बहुत स्वाभाविक स्वीकार करते हैं, लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी नजर आती है। ऐसे समय भारत ने नारा नहीं निष्ठा के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं आदरणीय सांसद सुधा मूर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विषय पर बल दिया था और उसका महात्म्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर बड़े विस्तार से उन्होंने कहा था। और आप उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि मां अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं होता, फिर नहीं मिल सकती, ये भी बड़ी भावात्मकता से उन्होंने बताया था। विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वेलनेस पर हमने 10 वर्षों में एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है। आदरणीय सभापति जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बने उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। बीते वर्षों में हमने जो 4 करोड़ घर बनाए हैं उसमें से ज्यादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर रखे। बैंकों में खाते खुलने से मुद्रा और सुकन्या समृद्धि जैसी योजना से आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है, भागीदारी भी बढ़ी है और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगी है। आदरणीय सभापति जी, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उससे जुड़ी 10 करोड़ बहनें, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही बढ़ा है, उनकी आय भी बढ़ी है। अभी तक 1 करोड़ बहनें जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, छोटा छोटा गांव में
कारोबार करती है, मिलकर के करती है, किसी गांव वालों की भी नजर नहीं जाती इनकी तरफ। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उन्हीं में से 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी और हम आने वाले समय में ये आंकड़ा 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की दिशा में बढ़ा रहे हैं। I always work for poor and I'm always on the field, so my experience is entirely different than both sides of the house. I have given only 5 minutes, and being a teacher, for me 5 minutes is extremely small slot. However, I'll try to do only 2 things. I'm also an author, so I always like to give analogy, Sanskrit shloka, and describe. It may not be possible. Maybe sometime later, if you give me a maiden speech of 15 minutes at least, I'll be able to do, sir, my expertise in my field. Yatra narya aramante tatra devataha. That's what our ancestors say. Where women are respected, that is a place where gods reside. And I want to tell you, the most important thing for women in general, is her health, because she always neglects her health and takes care of the family. And because of that, many women suffer in real life with cervical cancers, and they will come to the hospital only in the 4th stage or 3rd stage. I'm being a daughter and a sister of a doctor, I'm aware of this, and I've worked in my last 30 years with Infosys Foundation on this particular area, and that I want to give a suggestion. There is a vaccination which is given to women, girls between the age of 9 to 14, known as the cervical vaccination, which can, if the girls take that, it can be avoided. May I request that to the house, that we should incorporate that vaccination for the benefit of our girls, because prevention is better than cure. My father, being a doctor, always used to tell me, when a woman dies, when a mother dies, in the hospital it's a count plus one. But for the family, a mother is lost forever. Maybe a man can get another wife, but children will never get another mother. Mother plays an important role, and cervical cancers are more in the later part of life. So I request that our government should look into this matter. And they have handled a very big vaccination drive during COVID, so this may not be very difficult if you can vaccinate our girls in the teenage 9 to 14. This is my first point. Who has developed the vaccine? This vaccination is developed in the West for a long time, sir. It is already given for the last 20 years. I tried one batch in my time 10 years back with government of Tamil Nadu, with K. Shanta, the director of the Mad Adyar Cancer Institute. It worked very well. So it is not expensive, I'm sure. You know, today it's 1,400 rupees for a person like us who are in the field. But if the government intervenes and negotiates, it can be, and it's any business is a win-win situation. He also should make certain money, but you can bring it to 700-800 rupees. And we have such a large population, sir, it will be benefiting for our girls in future. Ashwini, please convey to the Health Minister, Nadda ji. Yes, sir. The second point, which is very dear to my heart,